ज्यादातर लॉ स्टूडेंट्स को अपनी लॉ की पढ़ाई खत्म होने के बाद भी LLB, LLM और LLD जैसी टर्म्स के मतलब और इनकी फुल फॉर्म्स नहीं पता होती। हेलो एवरीवन, आई एम वंश नागपाल। आज के इस सेशन में हम लोग LLB, LLM और LLD इन तीनों ही टर्म्स के मतलब, इनकी फुल फॉर्म्स और इनकी यूजेज को समझेंगे। लेट्स बिगिन विद द टर्म LLB। LLB को कुछ लोग लेजिस्लेटिव लॉ या फिर बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ भी बोलते हैं, पर LLB की करेक्ट फॉर्म जो होती है वो बैचलर ऑफ लॉज होती है। इसे बेसिकली एक लेटेंट टर्म लीगम बैकेलोरस से डिराइव करा गया है। बैकेलोरस का मतलब होता है बैचलर और लीगम का मतलब होता है लॉज, तो इन दोनों को जोड़ के ये बैचलर ऑफ लॉज बन जाती है। इंडिया के अंदर LLB किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 3 ईयर का कोर्स कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं आफ्टर स्कूल। कोई भी इंसान जो LLB में अपनी डिग्री ले लेता है वो लॉयर बन जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, इसे लिखते कैसे है? इसे लिखने का सही तरीका होता है LL.B, ना कि L.L.B। L.L.B एक गलत तरीका होता है। इसे अब LL.B इसलिए लिखा जाता है क्योंकि लेटिन लैंग्वेज के अंदर कोई भी एब्रीविएशन जब सिंगुलर नाउन की कर रहे होते हैं तो वहां पर उसका फर्स्ट लेटर यूज होता है, पर अगर वो प्लूरल नाउन की एब्रीविएशन होती है तो फर्स्ट लेटर को 2 बार यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेज के लिए एब्रीविएशन होती है P, पर पेजेस के लिए एब्रीविएशन होती है PP। तो सिमिलरली यहाँ पे लॉ के लिए एब्रीविएशन होगी L और लॉज के लिए एब्रीविएशन होगी LL। तो लॉज LL.B इज बैचलर ऑफ लॉज। सिमिलरली आर नेक्स्ट टर्म LLM इज एन एब्रीविएशन फॉर मास्टर ऑफ लॉज। इसे एक लेटेंट टर्म लीगम मैजिस्ट्रेट से डिराइव करा गया है। इंडिया के अंदर कोई भी इंसान अपनी LLB की डिग्री लेने के बाद LLM का कोर्स कर सकता है। LLM का कोर्स यहाँ पे 2 साल का होता है जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से करा जा सकता है। बेसिकली LLM डील्स विद द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ अ लॉ। लास्टली LLD इज द एब्रीविएशन फॉर डॉक्टर ऑफ लॉज। इसे एक लेटेंट टर्म लीगम डॉक्टर से डिराइव करा जाता है। LLD बेसिकली इंडिया के अंदर एक 3 साल का कोर्स होता है। LLM या अपनी PhD करने के बाद कोई भी इंसान कुछ अकेडमिक एक्सपीरियंस या फिर बाद में कुछ एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ये कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली इस कोर्स के अंदर या तो कोर्स वर्क, रिसर्च वर्क और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज कंसर्न होती है। सो जनरली जिन लोगों को अकेडमिक फील्ड में जाना होता है वो LLD का कोर्स करते हैं। So that's it for today. I hope ये video आपके लिए helpful रही होगी। अगर आपको ये video पसंद आई, just don't forget to like and share this video. Also don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. All the best. See you in next session.